जितने ज्यादा लिखा पढ़ा करो उतना अभिमान आ रहा है। हमने PhD कर रखा है, हमें इंजीनियरिंग कर रखा है, हमें डॉक्टरेट कर रखा है, उतना अभिमान आता है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं जिसका अंदर में जितना गुण आ जाएगा उसका अंदर में उतना दीनता आएगी। इसलिए पहला गुण है दैना। क्या क्या पहला गुण है? मतलब पहला गुण है दैन्य है, ठीक है ना। मतलब भगवान की भक्ति करने के लिए हमारे अंदर में कोई घमंडता नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। सबको जथा योग्य सम्मान देनी चाहिए। महाप्रभु कहते हैं अगर हरि नाम करना चाहते हो चार गुण तुम्हारे अंदर में होनी चाहिए। बोले चार गुण क्या है? बोले घास से भी ज्यादा दीन है। जैसे घास को ऊपर पैर रखो, अब देखना घास तो नीचे हो जाता है लेकिन प्यार को हटा तो फिर ऊंचा हो जाता है। बोले नहीं, उससे भी अपने को दी नहीं मानो। दूसरा चीज बोले सहन शक्ति। वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील होनी चाहिए। जैसे वृक्ष जा रहे हो, आम का पेड़ है, आम फल धरा हुआ, एक पत्थर उठा और पेड़ में मारे, लेकिन मारा तो हमने उसको, लेकिन उसने क्या किया? एक फल दे दिया। रास्ता में जा रहे हैं, है रास्ता में जा रहे हैं, बड़ी कड़ी धूप है, सोचे किसी पेड़ को नीचे थोड़ा बैठ जाए, बैठने के लिए कुछ है नहीं, देना पेड़ का कभी टहनिया को तोड़ देते, नीचे बिछा कर हम बैठ जाते, लेकिन तोड़ तो दिया उसको टहनिया को, लेकिन उसने कभी बोला तेरे को मैं छाया नहीं दूंगा, हमें उल्टा वो छाया आ जाती है और हर समय दूसरों को उपकार में लगा हुआ रहता है। लकड़ी का देखो, तुम्हारे घर में लकड़ी का कितना कितना चीज बना, चौखट भी बनाया है और आलमीरा भी बनाया और ये भी बनाया, हर समय दूसरों का सेवा में हर समय लगा रहता है, हैं? ये हर समय इसलिए कहता है हर समय भावना क्या रहेगी, जैसे हम दूसरों को कैसे उपकार कर सके, हैं? कहते कहते और बोले सबको जथा योग्य सम्मान दो, किसको असम्मान नहीं करनी चाहिए। क्यों? हर जीव का हृदय में भगवान ही बैठे हुए, सबका जीव में तो परमात्मा रूप में ठाकुर जी बैठे हुए, इसलिए सबको जथा योग्य सम्मान दो, कभी किसी की असम्मान मत करो और खुद कभी सम्मान की भूखा नहीं रहनी चाहिए। हमें कोई जय जयकार करे, हमारी प्रशंसा करे, हमारी बड़ाई करे, ये भाव हमारे अंदर में नहीं आनी चाहिए। ये पहला गुण है। दूसरा गुण क्या है? बोले आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन मतलब क्या? संपूर्ण रूप में अपने आप को ठाकुर जी के चरण में हमें दे देनी चाहिए। ठाकुर जी आप मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। जब भगवान के चरण में आत्मनिवेदन करोगे, फिर भगवान के चरण में क्या है? बोले अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण द्वय। भगवान के चरण में अशोक, जहाँ पर शोक नहीं, अभय जहाँ पर डर नहीं, और जहाँ पर अमृत है, ये तीन चीज ठाकुर की चरण में। अगर ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो जाएंगे ना, बस हमें जगत में तीन चीज की प्राप्ति होगा, फिर कोई डर भय हमें जगत में नहीं रहेगी। इसलिए दूसरा गुण है आत्मनिवेदन। इसलिए कहते आमी तो तुम्हार, तुम्ही तो हमार, की काज अपर धन प्रभु, आप तो मेरे हो, आप मैं तो आपका हूँ, पर दुनिया में दूसरे चीज में हमारा कोई मतलब नहीं है। इसलिए भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं आत्मनिवेदन तो आप करी आइनो परम सोखी, दुख दूर चिंता ना रहिला चौदगे आनंद देखे, अशोक भय अमृत आधार तुम्हार चरण धोय, ताहते खना विश्राम लभिया छाड़िनो भेरम कृष्ण। प्रभु आपके चरण में हम अपने आप को समर्पण करके हम पूरा आनंद आनंद हो गया। बोले क्यों? बोले तुम्हारे जो चरण है मैं ही अशोक अभय अमृत तुम्हारे चरण में, जब तुम्हारे चरण में शरणागत हो गया फिर भय किस चीज की? जैसे प्रहलाद महाराज, नाम सुने कि नहीं? प्रहलाद, इसने भगवान के चरण में संपूर्ण अपने आप को समर्पण कर दिए थे, इसलिए पिता उसको कुछ भी नहीं कर पाए, उसको पिता मारने के लिए आग में बैठा दिया, पहाड़ को ऊपर से फेंकवा दिया, उसको हाथी को सामने फेंक दिया, सर्प को सामने फेंक दिया, कुछ नहीं हुआ। बोले क्यों? भगवान के चरण में संपूर्ण रूप में वो समर्पित है। इसलिए कहते ना जिसको राखे साइयां
मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके, जो जगह बैरी हो। सारा दुनिया भले ही तुम्हारी शत्रु बन जाए, लेकिन जो ठाकुर की चरण में जो शरणागत हो गए, उनको जगत में कोई कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान के चरण में आत्मसमर्पण की बड़ी महत्व है। विभीषण जब रावण को समझाने के लिए गए, हम पुलस्त ऋषि के वंशधर, हमारा कर्तव्य नहीं पराई स्त्रियों को उठा करके ले आए, सीता लक्ष्मी चाहो सीता को भगवान को देख करके आओ। उसने लात मारी विभीषण को, उन्होंने लात मारी, लेकिन उसने केवल प्रभु राम के शरण में आ गए हैं, कैसे बन गया, क्यों तुम मेरे शरण में आना। भगवान को पर भगवान जरूर हमें पालन करेंगे हैं, क्योंकि जो चिट्ठी से लेकर हाथी तक पालन करते हैं, अगर हम उसके शरण में जाएंगे क्या हम भूखे रह जाएंगे हैं। इसलिए विश्वास रखनी चाहिए भगवान के ऊपर में, भगवान हमें पालन करने वाले ठाकुर ही हैं। इसलिए ये विश्वास हो जानी चाहिए सचमुच से भगवान, जो भगवान की शरण में आ जाते हैं ना, ठाकुर जी स्वयं कहते हैं हैं, वो कभी भूखा नहीं रह सकते हैं। ये महाप्रभु का भक्त में जैसे श्रीवास पंडित, वो चार भाई थे और चार उनको पत्नियां बच्चे भी है, लेकिन कोई काम धाम नहीं करते थे। चार भाई घर में बैठे करके हाथ में ताली बजाते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे का नाम करते थे। एक दिन महाप्रभु उनको घर में आए, आ करके बोले तुम लोग चार चार भाई हो, चार चार पत्नियां बच्चे भी है, और इतना बड़ा परिवार तुम्हारी, लेकिन कोई काम धाम नहीं कर रहे हो, पर तुम्हारी ये परिवार चलेगा कैसे। तो उन्होंने क्या बोले, हाथ में तीन बार ताली बजाई, बोले ऐसे क्यों। बोले देखो प्रभु, आप भगवत गीता में आप ही प्रतिज्ञा किए हो। भगवान क्या प्रतिज्ञा करते हैं, बोले अनन्नाश्चरित माम जजनहा परजुपासते तेसांग नित्याभिजुक्ता नाम जोगाक्षयम बहाम्यहम। भगवान प्रतिज्ञा करते हैं, बोले हे अर्जुन, जो अनन्य रूप में, अनन्य मतलब है संपूर्ण रूप में भगवान के चरण में शरणागत होकर के, और किसी देवा देवी को नहीं, आज इसको 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 पूजा नहीं, एकनिष्ठ होकर के जो मेरे शरण में आए हैं, सारे की भरसा छोड़ करके मेरे शरण में जो आए हैं, हर समय मेरे चिंतन, मेरा नाम, मेरे भक्ति करते हैं, उसके लिए मैं दो काम करता हूँ। बोले क्या करते हो, बोले घर में जो चीज नहीं है मैं सर पर रख करके पहुंचाता हूँ, उसके घर में जो चीज हो मैं एक चौकीदार बनकर उसको मैं रखवाली करता हूँ। कितना बड़ा प्रतिज्ञा किया। बोले प्रभु गीता में तो आप ही प्रतिज्ञा किए हो, जब आपने प्रतिज्ञा किया आपका आदेश को पालन करके दिन भर तुम्हारी भक्ति पूजा पाठ करते हैं, हैं? बोले ये ताली भर क्यों बजाई। बोले इसलिए पहला ताली इसलिए बजाया, एक दिन तुम्हारे नाम को लेकर के देख लूंगा कुछ खाना मिलता कि नहीं है। बोले दूसरे ताली क्यों बजाई, बोले दूसरे दिन भी देख लूंगा तुम्हारे नाम करके कुछ भोजन मिलता कि नहीं। बोले तीसरा ताली, बोले अगर तीसरे दिन भी देखूंगा मेरे घर में कुछ आया कि नहीं, अगर कुछ नहीं आया ना मैं सोचूंगा भगवान गीता में सब झूठ मूठ बोलते हैं, फिर तो गले में कलसी बांध करके गंगा में डूब मरूंगा। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, उसको पीठ पर हाथ थपथपाए, बोले मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, जो लक्ष्मी सारा दुनिया को जो खिलाने वाली लक्ष्मी, भले ही उसको कभी घर घर में भीख मांगने पड़ जाए, है कभी भीख मांगने पड़ जाए, लेकिन तेरे घर में ना किस चीज का कभी अभाव नहीं पड़ेगा, उसको ये आशीर्वाद दिया है, हैं ये आशीर्वाद दिया है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो तीसरा जो शरणागति, संपूर्ण रूप में विश्वास करनी चाहिए भगवान हमें पालन करने वाले ठाकुर है। तो वो दुनिया को पालन करते हैं तो हमें क्या पालन नहीं करेंगे, उसका नाम लेने वाले को क्या भूखे रह जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिनी बालक राखे मेहतारी, और उदाहरण दिया है जैसे आप घर के पिता माता है, आपके दो बच्चे हैं, बच्चों को पूछो कभी खाने की चिंता करते हो, आप बताओ कभी खाने की चिंता करते हो, क्या कर दिन भर पढ़ाई करते हो और खेलते कूदते हो मस्त में रहते हो, लेकिन इसका चिंता कौन करता है, माँ माँ करती है ना। अरे मेरे बेटा इतना समय पर भोजन किया था, इतने सब समय हो गया, जरूर भूख लग गया होगा, है ना, भूख लग गया होगा, नहीं खाने पर भी जोर जबरदस्ती कान पकड़ कर बैठ कर रोटी खा, हाँ इतने पेट नहीं भरा, और एक रोटी ले ले, और एक रोटी ले ले,
क्योंकि माँ को पता है बच्चे कितने रोटी खा करने पर पेट भरता है। किसको पता है? किसको पता है? मम्मी को पता है ना। इसलिए कहते बच्चे जैसे, कहते हैं बच्चे जैसे, उसी तरह कहते हैं जैसे एक माँ अपना बच्चों को लालन पालन करती है, बच्चे कभी नहीं सोचते हैं सवेरे क्या खाऊंगा, शाम को क्या खाऊंगा, सोचते हो कभी? नहीं, ये माँ सोचती है, हैं सवेरे क्या खाएंगे, दोपहर में रात को क्या खाएंगे। बच्चे अगर सो भी गए ना, जब तक मैया उसको उठाकर खिला नहीं देगी तब तक खुद खाना नहीं खाती है, हैं उठाकर खाना खिलाएगी फिर उसके बाद में खाना खाएगी। इसलिए हम कहते जिनी बाल कर आखे महतारी, जब साधारण माँ ऐसे ध्यान रख सकती है, और तुमेव माता च पिता तुमेव, जगत का जो माँ भगवान वो क्या नहीं कर सकते, बच्चों के लिए क्या नहीं कर सकते। और जो दिन भर उसकी सहारा में पड़ा हुआ है, उसकी सहारा में, एक कथा सुन लो। एक समय वृंदावन में क्या हुआ, संत लोग भजन करते हैं रोज, घर घर में माधुगिरी ला करके, माधुगिरी समझते हो, रोटी मांग कर घर से लाते हैं, रोटी सब्जी मांग कर लाते हैं, खाते हैं, दिन भर भजन करते हैं। एक बार क्या हुआ, आंधी तूफान आई, जिस समय वो माधुगिरी लेने जाएंगे तो तेजी से आंधी तूफान आई, घर से निकल नहीं पाए, और टाइम में भूख लगता है, भोजन का टाइम हो जाए तो भूख लगता है। बाबा लोग बैठ कर माला जप कर रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे नाम कर रहे, लेकिन पेट में चूहे कूद रहे हैं, पेट में भूख लग रहा है, हैं भूख लग रहा है। इतने में राधा रानी ने देखा, देखो मेरे भक्त लोग बैठ करके मेरे नाम ले रहे, लेकिन भूखे। चिंता तो माँ को होती है ना, बाप को इतना चिंता नहीं होता है, हाँ माँ को ज्यादा चिंता होती है का कितना बजे क्या खाएंगे नहीं खाएंगे। इतने में कृष्ण ने राधा रानी को बोले थे, राधे आज हम दोनों यहीं पर मिलेंगे, आज मैं अपना हाथों से तेरे लिए कुंजा सजाऊंगा। इसलिए कृष्ण राधा रानी के लिए बड़ी सुंदर फूल और पत्ते से बड़ी सुंदर उन्होंने कुंज बनाया, और कृष्ण बैठे हुए, राधा रानी बोले मैं इसी समय में आ जाऊंगी, हैं इसी समय में आऊंगी। कृष्ण बैठे हुए, समय हो गया लेकिन राधा रानी नहीं आई। कभी कृष्ण बाहर आकर देखते हैं, कभी अंदर में जाते हैं, कभी बाहर जाते हैं, कभी अंदर में। कृष्ण ऐसे छटपट कर, अभी तक नहीं आई, अभी तक टाइम तो चला गया, अभी तक नहीं आई। इधर क्या हुआ, उसी समय में ये संत लोग को भूख लग रहा है, इतने में राधा रानी स्वयं चावल बनाई, सब्जी बनाई, रोटी बनाई, हैं बना करके उसने जितने जो संत लोग थे ना, घर घर में गया। अब घर घर में जाकर के सारे संतों को दाल भात सब्जी सब संतों को दे देकर समय लग गया, हो गया। तो राधा रानी लेट में आई, जब लेट में आई ना, कृष्ण तो मुंह मोड़ कर बैठ गए, हैं मुंह मोड़। इतने में राधा रानी कहती है कि महापुरुष को क्या हो गया। इतने में सखिया कहती है, तुम कितने बजे बोले थे आने के लिए, अभी घड़ी को देखो कितना बज रहा है, कितने बजे बोली थी, क्यों इतना लेट की हो, हाँ कृष्ण तुम्हारे लिए कितने तड़फड़ा हो रहा है, तड़फड़ा न हो रहा है, बाहर नीचे बाहर जा रहे हैं। तब राधा रानी बोले, हे श्याम सुंदर, आप ही तो गीता में बोले हो जो व्यक्ति अनन्य रूप में मेरे चिंतन करते हैं सब कुछ उसका दायित्व तो मैं बहन करता हूँ, सर पर देख रहे पहुंचाता हूँ, हैं स्वयं उसको भोजन कराता हूँ, रक्षा करता हूँ। तुमने तो प्रतिज्ञा की, तुमको पता है आज क्या हुआ? बोले क्या हुआ है? बोले जिस समय तुम्हारे भक्त लोग भिक्षा लेने के लिए जाएंगे बाहर, उसी समय में आंधी तूफान आ गया, वो जा नहीं पाए तो अभी भूखे में बैठे हुए, लेकिन तुमने तो प्रतिज्ञा की है ना, इसलिए मैंने उनके लिए रोटी सब्जी दाल दे करके घर घर में देते देते मेरे लेट हो गया, इसलिए आने में इतना लेट हो गया। इतना बोलते ही तो कृष्ण एकदम पिघल गए, हैं हृदय एकदम पिघल गया, और राधा रानी के चरण में गिर गए। बोले राधे प्रतिज्ञा तो मैंने किया, लेकिन तो माँ तो तू है ना, कौन बच्चों को खिलाती है, मैया खिलाती है ना, इसलिए माँ तो तू है ना, है इसलिए यहाँ पर कहते हैं गुप्त रूप ये वर्णन तथा, हैं कहते भक्तों का अन्न मंदिर में क्या विश्वास रहता है, भगवान हमें जरूर पालन करेंगे, हैं जो चौथा जो शरणागति है रक्षिष्यति इति विश्वास, उनको मन में ये दृढ़ विश्वास रहता है ठाकुर जी हमें जरूर रक्षा करेंगे। कहते ना जाके राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह पैरी हो, उनके अंदर में ये दृढ़ विश्वास रहता है भगवान जरूर हमें रक्षा करेंगे। क्यों? हम भगवान की 24 घंटा में 24 घंटा हम उनकी
शरण में है, उनकी शरण में है, हैं? वो रक्षा नहीं करेंगे तो कौन रक्षा करेगा हमको? प्रहलाद को देखा ना, हरिदास ठाकुर को देखा है ना, जब हरिनाम कर रहे थे और जब काजी असंतुष्ट हो गया, बोले हरि का नाम तो नहीं ले सकते हो, अगर हरि का नाम बंद नहीं करते हो तुमको 22 बाजार में कोड़े मार मार कर तुमको शिक्षा देंगे। हरिदास ठाकुर क्या बोले? बोले खंड खंड हरि यदि जाए देह प्राण, तब वो ना छाड़ी वो मुख्य हरिनाम, भले ही मेरे शरीर को टुकड़े टुकड़े करे काट दो लेकिन भगवान का नाम मुंह से मैं छोड़ने वाला नहीं। और सचमुच से 22 बाजार में पिटाई की, जितना जोर से पिटाई हो रही थी उतना जोर से वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, उतना जोर जोर से कर रहे थे, हैं? और हरिदास ठाकुर क्या प्रार्थना कर रहे थे? बोले ठाकुर जी ये सब मूर्ख है, कुछ नहीं जानते, अज्ञानी है, आप इसको माफ कर दो। भगवान सुदर्शन चक्र लेकर वैकुंठ से आ गई, सबको मैं ध्वंस कर दूंगा, मेरे भक्तों के ऊपर अत्याचार। लेकिन आकर क्या देखा? हरिदास ठाकुर इनका कल्याण सोच रहे हैं। भगवान बोले मेरे भक्त जिसका कल्याण सोच रहे हैं मैं उसको कैसे मार सकता हूँ? ठाकुर जी उसको ऐसे ही पकड़ करके अपना गोद में भर दिया, भर लिया तो जितने कोड़े है ना ये सब के सब ठाकुर को पीठ पर लगा। ये विश्वास रहता है ठाकुर जी हमें जरूर रक्षा करेंगे, हैं? ठाकुर जी रक्षा करेंगे। जब हरि सभा में द्रौपदी की लाज जा रही थी, जब लाज जा रही थी भीम का बाहु फड़क रहा था, हरि सभा में हमारी पत्नी की विवस्त्र हो रही है, एकदम कांप उठे पूरा अर्जुन देख करके, उसका शरीर एकदम खून उबल रहा था, पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ कांडी विदाई अर्जुन, जगत में कोई बराबर उसको करने वाले नहीं, भीम के बराबर कोई गदा युद्ध में कोई नहीं उसको परास्त कर सकते, और युधिष्ठिर जैसे धर्मराज भाला युद्ध में नकुल सहदेव उनका बाहु फड़क रहा था, हैं? फड़क रहा था, लेकिन वहां युधिष्ठिर महाराज बैठे हुए थे। युधिष्ठिर मतलब क्या है? बोले युद्ध अवस्था में भी जिसका बुद्धि स्थिर रहता है, आप देखना युद्ध में लड़ाई झगड़ा होना बुद्धि सही नहीं रहता है, क्रोध में पता नहीं हम क्या 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 बोल डालते हैं, उसे बुद्धि स्थिर रखना कठिन है, मरना नहीं तो मारना, हैं? मरना नहीं तो मारना उस समय रहता है, लेकिन उसी अवस्था में भी युधिष्ठिर महाराज भीम नकुल सहदेव भड़क रहा पाओ, लेकिन युधिष्ठिर चुपचाप बैठे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे। बोले ये कुछ क्यों नहीं बोल रहे थे? इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहे थे, उनको भगवान के ऊपर में पूर्ण विश्वास था, वो जानते थे कृष्ण जितने भी हम सबको प्यार करते हैं प्रेम करते हैं, लेकिन द्रौपदी को सबसे ज्यादा प्रेम द्रौपदी को करते हैं, और कृष्ण द्रौपदी को अपना सखी बोल करके संबोधन करते हैं, हैं? इसलिए जब भगवान हमारी रक्षा करता हम संपूर्ण रूप में ठाकुर की चरण में शरणागत है, कभी उनका विवस्त्र होने के लिए कभी कन्या देगा क्या? कृष्ण कभी विवस्त्र होने दे सकते हैं? कभी हो ही नहीं सकता है, इसलिए उनकी पूर्ण विश्वास था कृष्ण हमें रक्षा करेंगे, कृष्ण रक्षा करेंगे, इसलिए भाइयों को चुप कर बैठा रहते, तो देखो तो आगे क्या होता है, चिंता क्यों करते हो, हैं? चिंता क्यों कर रहे हो? जब दुशासन ने दुर्योधन ने कहा ये मेरे को अपमान किया, अंधा का बेटा अंधा होता है, हैं? अंधा होता है, उसको विवस्त्र करके मेरे जंघे के ऊपर बैठा दो। उस समय भीम ने कहा जिसे जंघे के ऊपर तो बैठाने का बात करते हो, घोर युद्ध में तेरे जंघा में तोड़ दूंगा, हैं? जिस हाथ से द्रौपदी के वस्त्र हरण कर रहा था, बोले ये हाथ को उखाड़ करके तेरे को फेंक दूंगा, हैं? इतना उसने प्रतिज्ञा किया था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज चुपचाप बैठे हुए, क्यों? उनको पता है कृष्ण जरूर रक्षा करेंगे। सचमुच से द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाए ठाकुर को रक्षा करने के लिए, ठाकुर जी मैं तो सोच रहा था ये लोग हमें रक्षा करने वाले, लेकिन कोई हमें रक्षा करने वाले नहीं तेरे सिवाय, इसलिए हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हरी, हे गोविंद हे श्याम सुंदर अभी तेरे सिवाय जगत में कोई नहीं। जब उन्होंने दोनों हाथ को उठाए इतने में कृष्ण स्वयं वस्त्र रूप में प्रकट हो गए, 10,000 हाथी की ताकत खत्म हो गई, सारी खेचते खेचते एकदम पहाड़ के पहाड़ जैसे हो रहा था, हैं?
लेकिन वो 10 गज सारी खत्म नहीं हो रहा था है? इसलिए 10,000 हाथी बल घटो घटो ना 10 गज सारी है। इसलिए कहते जो सहाय रघुबीर क्या कर बहरी प्रबल जो सहाय रघुबीर, जिसको ऊपर में भगवान की रक्षा करने वाले भैया उसको जगत में कौन बिगाड़ सकता है, कोई बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए भक्तों के अंदर में ये पूर्ण विश्वास रहता है जरूर ठाकुर जी हमें रक्षा करेंगे ही। लेकिन किसका अंदर में विश्वास होगा, जो भजन करते हैं, जो भजन करते हैं उनका अंदर विश्वास, सबका अंदर विश्वास नहीं आएगा है, सबका अंदर विश्वास नहीं आएगा। जो संपूर्ण ठाकुर चरण में शरणागत व्यक्ति उनके अंदर में विश्वास आएगा, बोले रक्षी सती विश्वास गुप्त रूपते वर्णम तथा। इसलिए भगवान हमें जरूर हमें रक्षा करेंगे और हमारी जरूर ठाकुर पालन करेंगे ही। कहते आत्म निक्षेप कार्पण न सरभीर शरणागति। इसलिए कहते हैं, कहते अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से विवर्जन। तब पर क्या करनी चाहिए, कहते भक्ति का जो अनुकूल वस्तु है उसको स्वीकार करें और भक्ति का जो प्रतिकूल वस्तु उसको छोड़नी चाहिए। बड़ा कठिन चीज है, मतलब जो चीज ठाकुर की भक्ति में प्रतिकूल चीज हम देख रहे हैं, ये चीज हमारी मन को गंद रास्ता पर ले जा रही, ये चीज हमें भक्ति से दूर कर रहा है, हैं? वो क्या करनी चाहिए, वो चीज हमें छोड़ देनी चाहिए। जब ये चीज हमें भक्ति की बहिर्मुखता में ले जाएगा, फिर वो चीज को हमें क्यों करे, क्यों देखे, उस काम को करे क्यों, इस चीज को हमें छोड़नी चाहिए। वही काम करनी चाहिए जिसमें गुरुजी, जिसमें वैष्णव, जिसमें भगवान, जिसमें संतुष्ट हो जीवन में, वही काम को हमें करनी चाहिए। जो काम करने पर ठाकुर जी खुश नहीं, गुरु वैष्णव खुश नहीं, फिर वो काम को हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए भक्ति का अनुकूल को स्वीकार करो और प्रतिकूल को त्याग दो। यदि ये सड़ंग शरणागति है वे जहार, बोले ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, ठाकुर जी उसकी ही प्रार्थना को ही श्रवण करते हैं। अगर ये 6 चीजें आ जाए ना, जो ठाकुर को बोलेंगे ठाकुर जी वही बात सुने, सुनना पड़ेगा ठाकुर जी। लेकिन हम बोलते ना, हम ठाकुर को बुलाते हैं, ठाकुर तो सुनते नहीं। कहते 6 गुण ले आओ, ठाकुर जरूर सुने है, ये 6 गुण में गुणी हो जाओ फिर ठाकुर जी जरूर। इसलिए अभी जो भजन गाए हैं उसमें है, कहते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सपार्षद सियो धाम सहबतरी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी वरदान, सिखाए शरणागति भक्त प्राण। कहते भगवान जगत में जीवों को पर कृपा करने के लिए पूरा धाम और भक्तों को साथ में ठाकुर जी उतरे है। बोले क्यों, बोले अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी वरदान, बड़ी दुर्लभ प्रेम को देना चाहते, जो प्रेम को शंकर जी गोपी बन करके रास में प्रवेश करने चाहे, जिसको प्रवेश नहीं मिला, लक्ष्मी बैठ कर जो तपस्या कर रही है अभी तक भी, जो ब्रज प्रेम पाने के लिए उनको भी नहीं मिला, उद्धव जी घास भूसा बनना चाहते, ब्रह्मा जी पत्थर बनना चाहते, नारद जी वहां पर नारद योग गोपी बनना चाहते, जो दुर्लभ प्रेम उन्हीं के लिए है, वो प्रेम को देने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा हमें। बोले ये जो 6 चीज है अगर हम अपना जीवन में अपनाएंगे, फिर धीरे 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 वो हमें, वो प्रेम हमें एक दिन प्राप्ति हो सकता है। इसलिए जो भजन जो गाए ना, जो बंगला भजन है ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण भजन है। भक्त विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर और ये जो संतों ने जो कीर्तन लिखा है, मेरे गुरु जी कहते थे जो कीर्तन का अगर 1 लाइन अगर किसने जीवन में उतार दिया ना, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगा। मेरे गुरु जी कहते थे जो चीज हम वेद पुराण उपनिषद ढूंढ करके नहीं मिलेगा, वो चीज हमारे संतों ने साधारण कीर्तन में उन्होंने दे दिया। इसलिए प्रभुपाद कहते थे किसको कृष्ण प्रेम चाहिए हाथ उठाओ, तो भक्तों ने हाथ उठाए। बोले देखो अगर कृष्ण प्रेम चाहते हो ना, 1 आना में तुम्हें कृष्ण प्रेम मिलेगा। 1 आना मतलब 6 पैसा है, 6 पैसा। बोले 6 पैसा में तुमको कृष्ण प्रेम मिलेगा। बोले कैसे, उसी समय में श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का एक ग्रंथ था जिसका नाम प्रेम भक्ति चंद्रिका, प्रेम भक्ति की चंद्रिका के सदृश है, इसको जिससे प्रेम भक्ति प्राप्त होगा। बोले 6 पैसा दे कर उसको खरीद करके ले आओ और केवल पढ़ो, और कुछ करने का जरूरत है, केवल उसको पढ़ते रहो। इतने सुंदर सुंदर उसमें भाव है, हैं? उनके इतने सुंदर, हम जो रोज भजन गाते हैं ना, राधा कृष्ण प्राण मोर
जुगाला किशोरा जीवने मरने गाते हार नाही मोर। की वजन है श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा बंद मोहि सावधाना माते। इनकी वजन है इनका ही है, इसलिए गौरा गौरांग बली ते हवे फूल का सरीरा हरि हरि बोली देना ज्ञान बाबे नीरा। सब इनकी भजन है, निताई गुण मनी अमार निताई, सब इनकी इनकी बड़ी भावना जो तो ये है। हरि हरि विफल जन्म बाय ठाकुर जी, ये जीवन हमारा बेकार चला गया। क्यों मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया भी सखाई। मतलब क्या भगवान कितने कष्टों के बाद में मानव शरीर मिला, 84 लाख जन्मों के बाद में कृष्ण भगवान हमें ये मानव शरीर दिया, लेकिन हमने क्या किया पाया करके भगवान के भजन नहीं किया, इसलिए जान बुझ कर हम जहर पी रहे हैं। मतलब भगवान की भजन नहीं करना मतलब विषय विष पीना जहर पान कर रहे, इसलिए गोलो कर प्रेम दना हरि नाम संकीर्तन रुचि ना है लगन दाय। भगवान गोल का जो गोलोक का जो प्रेम धन क्या है, ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये गोलोक का प्रेम धन है। लेकिन हमारी रुचि इसमें नहीं, हमारी रुचि इसमें नहीं, रुचि स्मार्टफोन में टीवी में है, यार दोस्त में रुचि है, लेकिन बोलो हरिनाम करो, हरिनाम से क्या होता है, हरिनाम से हमारे क्या होगा, यार दोस्त में समय लगा देते हैं, लेकिन जीवन में शांति मिलेगा ना, ये सब चीजें नहीं मिलेगी, यार दोस्त नहीं मिलेगी। ये चीज समझ लो, जगत में कोई फ्रेंड नहीं, सब फ्रॉड है, सब जिसको फ्रेंड कह रहे हो ना सब फ्रॉड है, धोखे देने वाले हैं, धोखे देने वाले। कहते हैं जगत का प्रेम क्या, आई लव यू, फिर आई लीव यू, फिर आई किल यू, फिर जाकर कोर्ट में जाकर के डाइवोर्स के लिए जाकर के लड़ते हैं कोर्ट में, ये सारा लव है ना, जाकर के लीव में परिवर्तन हो जाता है डाइवोर्स में। इसलिए जगत में जो प्रेम प्रेम दिख रहा है वो प्रेम प्रेम जगत में कुछ नहीं, इसलिए कोई फ्रेंड नहीं, सब फ्रॉड सबके साथ। हम सोच रही है हमारा बड़ा बड़ा फ्रेंड है, फ्रेंड फ्रेंड कुछ नहीं, सब फ्रॉड है। इसलिए फ्रेंड तो भगवान ही एक फ्रेंड, और जगत में कोई हमारे फ्रेंड नहीं, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं जो जीवन में शांति मिलेगा जो भगवान के नाम जप करेंगे, हरि नाम से ही हमें शांति मिलेगा, और किस चीज में शांति हमें नहीं मिलेगी। इसलिए क्या करनी चाहिए, हरि नाम करो, क्या करो, हरि नाम करो, ठीक है। अब ये बच्चे लोग तुमको बताएंगे, कुछ कुछ कथा सुनाएंगे तुमको क्यों हरि नाम करनी चाहिए, हम दुनिया में कहाँ जा रहे हैं, वेस्टर्न जो कल्चर को फॉलो कर रहे हैं क्या, ये सब बच्चे थोड़ी थोड़ी सुन लो। हरे कृष्णा हरि बोल, हरे कृष्णा। हाँ देखो ये आप मत समझो कुछ सब अनपढ़ है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये अडोब कंपनी में नौकरी करता था, अच्छी तनख्वाह थी, लेकिन उसको छोड़ करके भगवान की भजन, ये भी बीटेक किया हुआ है, ये सब लेकर बैठे सब, और ये तो क्लास में फर्स्ट नंबर इसका आता था, हर समय क्लास में फर्स्ट या मार्क लगता। देखो आज गुरुदेव घर में आए हैं, साधु लोग घर में आए, सच में बड़ा अच्छा दिन है, है? क्योंकि शास्त्र बोलते हैं कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संघ। अगर कोई ठाकुर जी की भक्ति करना चाहता है, भगवान के अंदर जिन भगवान की भक्ति में आध्यात्म के अंदर यदि किसी की रुचि उत्पन्न होगी तो कैसे होगी, उसका बीज क्या है, बोले साधु संघ। जब तक कहते ना संघ से रंग चढ़ता है, है? आपने सुना होगा यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू एसोसिएट विद, है ना, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू एसोसिएट विद। तो हम जैसे लोगों का संग करेंगे उन्हीं की क्वालिटीज हमारे अंदर आएगी। अब साधु संग यदि करेंगे, संत लोगों के साथ में उठना बैठना होगा, उनके मुख से हरि कथा सुनेंगे, भगवान की कथा कीर्तन सुनेंगे, तो क्या होगा, बोले कृष्ण भक्ति का बीज हमारे हृदय में आ जाएगा। गुरुजी से जो हम हरि कथा सुनते हैं, हमसे जो मंत्र दीक्षा प्राप्त करते हैं, वो क्या है,
महाप्रभु कहते हैं कि गुरु जी ने हमें मंत्र प्रदान नहीं किया, उन्होंने हमारे हृदय के अंदर वो बीज दे दिया, है ना। हमारे हृदय में क्या किया, हरि कथा के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से वो बीज प्रदान कर दिया। हमारा हृदय पहले कैसा था, बोले पहले हमारा हृदय बड़ा ही बैरन लैंड था, क्या ऊसर भूमि था, बंजर भूमि था, है ना। उसमें वो बीज देने पर काम नहीं कर रहा था, तो उन्होंने क्या किया, बलदेव प्रभु को देखा है आपने, बलदेव प्रभु कृष्ण लीला में देखा होगा ना, बलदेव प्रभु, बलदेव प्रभु का हाथ में क्या होता है, हल होता है ना। एक किसान, किसान को देखना उसके पास में भी हल होता है ना, और बलदेव प्रभु के पास में मूसल भी होता है, मतलब मूसल जिससे पीटते हैं, है ना। तो ये हल और मूसल बलदेव प्रभु को बताया, ये गुरु तत्व है, बलदेव प्रभु गुरु तत्व है। तो देखना है, किसान जैसे हल चला के और क्या करता है, उसको खोदता है, जमीन को खोदता है ना, और फिर क्या होता है, उसके अंदर बड़े बड़े लंप्स निकलते हैं, तो उनको तोड़ने के लिए वो मूसल का यूज करता है ना। ऐसे ही गुरुपाद पद्म भी इनके दो अस्त्र हैं। गुरुपाद पद्म क्या करते हैं, हमारे हृदय की जो ऊसर भूमि है, जो ऊसर भूमि है, उसको बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए क्या करते हैं, वो हरिकथा के माध्यम से, उनकी कठोर हरिकथा के कैसी है, बोले वो लंप को तोड़ने के लिए मूसल जैसी है, है ना। क्यों, क्योंकि अगर वो अभी साधारण रूप में मंत्र देंगे तो वो हमारे, क्योंकि हम क्वालिफाइड नहीं अभी उसे लेने के लिए, हमारे हृदय प्रस्तुत नहीं उसे लेने के लिए, अभी अनफर्टाइल लैंड है, काम नहीं करेगा। तो इसीलिए हरिकथा के माध्यम से उस हृदय को पवित्र करते हैं। पवित्र करने के बाद क्या हुआ, बोले उन्होंने हमें बीज प्रदान कर दिया, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संघ, तो इसलिए हमें मूल मिल गया, साधु बीज प्रदान हो गया। नाउ हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने हमें अगर कुछ चीज दिया है, उन्होंने हमारे हृदय में ये वृक्ष का बीज प्रदान किया, एक भक्ति लता का बीज प्रदान कर दिया, तो हम क्या करेंगे। महाप्रभु कहते हैं माली हैया करो सिंचन, आप क्या बन जाओ, बोले आप एक गार्डनर बन जाओ, आप एक माली बन जाओ, और माली बन के क्या करो, बोले उन्होंने जो बीज दिया उसके अंदर टाइम टू टाइम पानी दो, उसको जब वो पौधा पनपने लगे तो उसको प्रोटेक्शन को गार्ड करो, है ना। और क्या होगा, कुछ कुछ समय पे उस मेन प्लांट के साथ में आसपास देखा होगा ना, दूसरे जो खरपतवार होती है वो भी आ जाते हैं, है ना, तो क्या करो उनसे भी रक्षा करो। तो ऐसे ही हमारे हृदय में गुरुदेव ने जो मंत्र प्रदान कर दिया, जो बीज दे दिया भक्ति का, वो भक्ति के अंदर पानी देना, मतलब बोले श्रवण कीर्तन जले कर सिंचन, हम भगवान की जब कथा सुनते हैं, बार 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 भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, जो महाजनों ने जो पदावली लिखी अभी सुन रहे थे ना, जो कीर्तन वगैरह लिखे हैं हमारे गुरु वर्गों ने, यदि उनका हम कीर्तन करें, उनको श्रवण करें, तो उससे क्या होगा, उसके उससे हमारे हृदय के अंदर पानी डालेगा, वो जो भक्ति लता है उसको पानी मिलेगा, है ना, पानी मिलेगा। और फिर क्या करो, उसको हमको गार्ड भी करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्ट कैसे करना पड़ेगा, बोले वैष्णव अपराध से बचना पड़ेगा। ये वैष्णव अपराध जो है ना, ये वैष्णव अपराध ऐसा शास्त्र कहते हैं कि और भले भक्ति भले ही कम करो, है ना, लेकिन वैष्णव के प्रति अपराध मत करो, वैष्णव के प्रति अपराध बुद्धि नहीं होनी चाहिए। अगर वैष्णव के प्रति अपराध कर दोगे, उनको बताया कि ये एक एक पागल हाथी की तरह, एक मतवाला हाथी, है ना, जैसे हाथी शराब पिया हुआ हाथी होता है ना, तो क्या करता है, किसी बागान में अगर घुस जाए तो सारा बागान तहस नहस कर देगा, है ना, अपनी सूंड से सब कुछ तहस नहस करके पैरों तले रौंद देता है। ऐसे ही अगर हम वैष्णव अपराध कर दें, तो ये वैष्णव अपराध क्या है, ये भी एक हाथी की तरह है, एक मतवाले हाथी की तरह है। वो क्या करेगा, हमारे हृदय में जो भक्ति लता थोड़ी बहुत पनपना चालू हुई थी, उसे पूर्ण रूप में अपनी सूंड से उखाड़ के और फेंक देगा, अपने पैरों तले रौंद देगा, और उसका उसके बाद में क्या होगा, बढ़ने का कुछ स्कोप ही नहीं रह गया, पूर्ण से जल जड़ से ही वो खत्म हो गई, है ना। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम उसे पानी तो देना है, लेकिन उसी के साथ साथ, जैसे हम क्या होता है, टाइम टू टाइम जा रहे हैं, पानी कैसे मिलेगा, वैष्णव से हरी कथा सुनने पर, लेकिन जब वैष्णव का संग होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, बोले उनके प्रति अपराध बुद्धि कभी कभी उनके अंदर कुछ, क्योंकि देखो फॉल्ट्स तो सबके अंदर होते हैं, कुछ ना कुछ फॉल्ट सभी में होते हैं, तो हम अगर वैष्णव के पास में जाते हैं, क्या होता है, उनके कभी कभी दोष दिखने लगते हैं, तो उन दोषों को देखकर उनसे घृणा होने लगती है। शास्त्र कहते हैं छह तरह के वैष्णव अपराध है, हंती निंदंती द्वेष्टि वैष्णवानाम अभिनंदति क्रुद्धति यातिनो हर्ष दर्शने पत्नानि षट्।
ये छह वैष्णव अपराध है। हंती मतलब किसी वैष्णव को मारना, उनको फिजिकली मारना। निंदंती मतलब उनके किसी दोष को देखकर उनकी निंदा करना। द्वेष्टि मतलब उनसे द्वेष करना, उनको देखकर जेलसी होना, द्वेष करना। फिर अगर कोई वैष्णव घर में आए हैं या हमने किसी वैष्णव के दर्शन किए तो उनको देखकर प्रसन्न ना होना, उसको देखकर नेग्लेक्ट कर देना, बोले यार कहाँ से आ गया, मुंह फेर कर किसी और रास्ते से चल दिए, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। वैष्णव लोग जैसा होता है ना, गुरुजी मान लो मठ से कहीं जा रहे हैं, कोई बड़े वैष्णव मठ में थे वो कहीं जा रहे हैं या हमारे यहाँ आए हैं तो हम उनको विदा करने के लिए नीचे तक जा रहे हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, ये शिष्टाचार है। ये भी अगर ऐसा नहीं करते तो ये भी एक अपराध है, है ना, जाति नो हर्ष। ठीक है, तो इस तरह से अगर वैष्णव अपराध से हम सावधान रहेंगे तो क्या होगा, हमारी भक्ति कथा गार्डन रहेगी, है ना। और विशेष करके महाप्रभु कहते हैं श्रवण कीर्तन जल कर सिंचन। ये जो श्रवण कीर्तन है ना, ये बहुत जरूरी है। हम जितना अच्छे से उसके अंदर पानी देंगे, जितना अच्छे से उसको श्रवण कीर्तन करवाएंगे, उतना ही हमारी प्रोग्रेस होगी। आप लक्ष्य करके देखना, काफी लोग माला ले लेते हैं, 7 दिन भागवत होती है ना, हमने प्राय जगह पर देखा, गुरुदेव 7 दिन भागवत करते हैं, लोग 7 दिन कथा सुनते हैं, हृदय में एक भावना जगती है कि हाँ यार माला लेना चाहिए, भगवान का भजन करो। भगवान के भजन के अलावा और कुछ तो साथ में जाएगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना, क्योंकि ये श्रवण कीर्तन होता नहीं और हरिकथा उसके बाद में हम जैसे छोड़कर आ गए, पीछे से मान लो हरिकथा नहीं मिली तो क्या होगा, धीरे 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 वो भावना कम होने लगती है ना। फिर क्या होता है, कुछ समय बाद में माला करना छूट जाता है ना, कंठी मान लो पहनी है तो कंठी भी उतर जाती है, फिर वापस जैसे थे वैसे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो उसको पोषण चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो जितने अच्छे से हम हरि कथा सुनेंगे, जितने अच्छे से हम ये हरि नाम करेंगे, उतने अच्छे से हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे ना ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, हम लोग को ये ऐसी एजुकेशन देखो स्कूल में नहीं मिलती है, है ना। आजकल के जो हम हिस्ट्रीज में पढ़ते हैं, हमारी प्राय करके देखो अभी जो एजुकेशन सिस्टम है वो लोगों को नास्तिक बनाने की तरफ ही ले जा रहा है ना। इंडियन अभी स्कूल्स के अंदर जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है हमको, हमारी हिस्ट्री के अंदर इंडिया का कितना ब्रेव इतिहास है वो चीज नहीं बताएंगे। इंडिया के अंदर कितने ऐसे राजा हुए जो जिनका बड़ा ही स्वर्णिम इतिहास है कि नहीं, लेकिन वो चीज नहीं बताएंगे। महाराणा प्रताप जैसे राजा हुए, राजा मान सिंह जैसे हुए, भक्त राजा भी हुए, उनके बारे में नहीं बताएंगे। इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो सारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, कितने ग्रेट हैं, उसके बारे में नहीं बताएंगे। हाँ, मुगल्स ने आकर क्या किया उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मुगल्स ने हमें कुतुब मीनार दिया, मुगल्स ने हमें ताजमहल दिया, है ना। विदेशी आए थे अकबर बाबर, विदेशी आने उन्होंने हमें रेलवे दी, उन्होंने हमें रोडवेज दिया, है ना। तो अगर विचार करके देखोगे ना, तो इससे क्या हो रहा है, इंडियन यूथ्स के अंदर अभी एक इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जा रहा है। मतलब कि यार वी बिलोंग फ्रॉम दैट इंडिया जिसने कुछ भी नहीं किया, हमको रेलवे मिली विदेश से अंग्रेजों से, रोड मिले अंग्रेजों से, सारे जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल वो भी मुगलों ने ला कर दिया, तो क्या भारतीय कुछ काम के नहीं थे, भारतीय ने कुछ किया ही नहीं। तो ऐसी चीजें जो हम स्कूल्स में कॉन्टिन्यूसली पढ़ते हैं ना, उसका हमारे ब्रेन पर ऐसा इफेक्ट होता है कि आज के टाइम के अगर बच्चों को बोलो भक्ति करने के लिए तो इंटरेस्ट नहीं रहता, बोले क्या यार ये सब पुराना डर रहा है, ये चीज को करने से क्या लाभ होगा। हम वो चीज करना चाहते हैं जो विदेश में चलता है ना। तो ये इट्स अ टाइप ऑफ बोल सकते हो ब्रेन वॉश, है ना, जो हमारे अंदर फीड करा जा रहा है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको राइट सोर्स से एजुकेशन लेकर अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करना है कि हम सच्ची हमारी एक्चुअल हिस्ट्री जो उसको जाने, है ना, भारत का कैसा इतिहास है उसको सच सच रूप में जाना है। तो ऐसे काफी सारे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने रियल फैक्ट्स भी लिखे हैं, जिन्होंने भारत के विषय में काफी अच्छी बातें बताई है, तो उनको भी हम जाने। और उनको जान के देखो, विदेशों में अमेरिका के अंदर क्या प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन तब भी वहां पर क्या होता है, अपने बच्चों को वो लोग शुरू से इस तरह से बताते हैं, यू आर द चूजन वन, है ना। तो वो शुरू से भले ही कितनी फॉल्ट्स क्यों ना हो, भले ही वहां पर कितने लोग डिप्रेशन पेशेंट्स हो, भले ही वहां पर ड्रग एडिक्शन हो बहुत ज्यादा, लेकिन तब पर भी उनको ये प्राइड फीलिंग शुरू से उनके अंदर डाली जाती है ना, बिकॉज ऑफ एजुकेशन या फिर पेरेंट्स से ग्रूमिंग जैसे मिलती है वैसा। हमारे यहाँ पर हम जो स्कूल्स में पढ़ते हैं उसके कारण क्या होता है, विद स्कूलिंग मटीरियल नॉलेज तो मिल रही है, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं मिलने के कारण वो चीज जो इनर कॉन्फिडेंस और वो सारी चीजें होती है वो इतनी नहीं आती है ना। तो क्या करना चाहिए हमको, हमारे भारत की रूट्स ही है आध्यात्म,
भगवत्ता का ज्ञान, ये ही चीज है। भारत को इसीलिए जाना जाता है कि नहीं? आपने इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, भारत को उसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या क्लीन रोड्स इन सब के लिए नहीं जाना जाता है ना। वी आर नोन फॉर आर एंशियंट कल्चर, हमारी डाइवर्सिटी, हमारे अध्यात्म के ज्ञान के लिए है ना। तो उसके अंदर हमको इंटरेस्ट दिखाते हुए उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट और किसी को प्रीच करे ना करे, लेकिन हम खुद तो उसके उससे नॉलेजेबल बन जाए, हमें खुद को तो उस चीज की ज्ञान मिल जाए, हमारा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए उस चीज की नॉलेज के लिए एफर्ट्स करने चाहिए है ना। तो क्या करो, ये श्रवण कीर्तन जो है करेक्ट सोर्स से सुनना और फिर उसको प्रैक्टिस भी करना, ठीक है, चेष्टा करना। देखो आप अभी तो दोनों पढ़ ही रहे हो, स्कूलिंग आपका तो आईआईटी चल रहा है, दोनों ट्वेल्थ में ही। अच्छा अच्छा आप हियरिंग है, ठीक है ठीक है। विद पढ़ाई थोड़ा सा टाइम इधर भी दिया करो है ना, ठीक है ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी अभी बता रहे थे कि श्रवण कीर्तन जले कर सिंचन, कथा सुनना है श्रवण और कीर्तन बोलना है। तो देखो ये मनुष्य जीवन ना बड़ा दुर्लभ है। निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूल नभस्यते नितं पुमान भवाप्तिं न तरेत सात्मा। निदेह माध्यम बड़े, ये जो मनुष्य शरीर है ना ये बड़े सुलभ है, सुलभ तो है और दुर्लभ भी हो गया है। आप बताओगे दुर्लभ कैसे हो गया है? ऑस्ट्रेलिया में एक हमारे जितने भी पूरे वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया में एक हिप्नोटाइज सेंटर से बड़ा फेमस हिप्नोटाइज सेंटर, हिप्नोटाइज यू नो दैट आई थिंक, हिप्नोटाइज मतलब ऐसे कुछ करते हैं उनके ऊपर, पिछले जन्म के बाद उनको याद आ जाते हैं, पूरा पिछले जन्म में ले जाते हैं। तो एक लेडीज को हिप्नोटाइज किया गया, एक अभी एक महीने पहले की बात है, हिप्नोटाइज किया गया। हिप्नोटाइज जैसे ही करते हैं तो उसको जैसे करके पिछले जन्म में ले जाते हैं, उसका प्रोसेसिंग है बहुत सारे, उसको रिदम्स देके और बहुत सारे उसको एडवाइसर देके सारी चीज एक्टिव करके उसको पीछे ले जाते हैं, प्रीवियस लाइफ में ले जाते हैं। तो जैसे उसको ले गया कुत्ता जैसा भूखने लगा, जैसे वो उसको ले गया तो कुत्ता जैसा भूखने लगा। देखो तो उसको पूरा साफ साफ प्रमाणित हो गया जो पिछले जन्म में कुत्ता था। तो देखो भगवान ने हमें इस जन्म में कितना उन्नत और कितना समृद्ध, कितने स्टेज पे कहा, जैसे एक सड़क में चलते ना भिखारी को भी देखते हैं, रिक्शा वाला भी वही सुबह से लेके शाम तक काम कर रहा है, ऑफिस वाला भी ऑफिस जाता है कार से, बड़े बड़े ऑफिसर भी सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? रिक्शा वाला बोलेगा मैं भी तो सुबह से लेके रात तक काम करता हूँ, ऑफिसर बोलेगा मैं भी तो सुबह से लेके रात तक काम करता हूँ, डिफरेंस क्या है? कुछ तो डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। तो इसको बता रहे हैं, देखो भगवान ने कैसे हमें एक कैसे स्थिति पे लाके रख दिया, मतलब कैसे एक जगह पे भगवान ने इतने भगवान ने हमारे ऊपर कृपा किया, हमें भगवान ने कहीं लंगड़ा लोड़ा अंधे बहरा ये सब नहीं किया, पूरा सुंदर है और समृद्धि परिवार पूरा सब सब चीज भगवान ने हमें दिया, ठीक है। और जो और गुरु कर्ण धारम, गुरुदेव भी दे दिया। देखो एक समंदर में एक जहाज है, ठीक है, एक समंदर में एक जहाज है, तो आप जहाज में मान लो कि जा रहे हो, जहाज में मान लो जा रहे हो और आपको चलाना नहीं आ रहा है तो आप पार कर सकते हो? तो इसीलिए बता रहे हैं गुरु कर्णधार, गुरु इज द कैप्टन, कैप्टन बना दिया गुरु कर्णधार, यानी जो चलाते हैं ना नौका को, तो वो गुरुदेव भी मिल गए हैं। और तो भगवान भी कह रहे हैं कि ना मया अनुकूल नभस्य तेरितम, जैसे समंदर में कभी कभी ओपोजिट डायरेक्शन से क्या होता है, बहुत तेज से हवा बहना शुरू हो जाता है, विंड फनी ये सब होना शुरू हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं मैं इस सब को हटा करके क्या करता हूँ, जैसे नौका चल रहा है और उसके पीछे मैं अपने अनुकूल, जो अपने अनुकूल
वायु को उसको आगे करके ऐसे ढकलता हूँ और मेरे तरफ अट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो जो अनुकूल चीज भगवान जो कह रहे हैं वो है श्रवण और कीर्तन। वो अनुकूल चीज जो बता रहे हैं वो गुरुदेव से हमको कथा सुनना है और गुरुदेव से हमें गुरुदेव के माध्यम से पूरा हर समय उसमें ही जुड़े रहना है। कि देखो जैसे हम जिस प्रकार का संग करेंगे हम वैसे वैसे धीरे उसी टाइप में ही बन जाएंगे। हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, हम कम से कम अच्छे से सो पाते हैं कि नहीं बताओ? सोते हो कि नहीं अच्छे से? यूएस में पता है हम जैसे टॉफी खरीदते हैं ना चॉकलेट, वहां पे ऐसे डिप्रेशन का एक 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 गोली देते हैं, एक एक मतलब मार्केट मार्केट में मिलता है डिप्रेशन का। मेरे खुद की एक मौसी जर्मन गई थी तो खुद बता रहे थे कि वहां मेडिसिन नहीं खाए उन मतलब बहुत ऐसे 90% लोग ऐसे हैं जब मेडिसिन खाएंगे तभी उनको नींद आएगा, इतना डिप्रेशन। और सबसे बड़ी बात तो हम देखो कोई किसी व्यक्ति को बोलो कि भैया रामनवमी जन्माष्टमी ये सब है, वो सब नहीं मानेंगे। क्योंकि विप्रो जी बता रहे थे ना कैसे हमने कैसे कैसे हिस्ट्री ही उसी टाइप का पढ़ने, हमारा एजुकेशन ही उसी टाइप का हो गया है, हमारा स्टडी ही उसी टाइप का हो गया है। कश्मीर में एक जगह पे एक हिंदू स्कूल था, 2-3 साल पहले कोरोना से पहले की बात है, एक हिंदू स्कूल था कश्मीर में। तो वहां पे सब लोग क्या करते थे, सुबह सुबह से हिंदू स्कूल में बकरतुंड नॉर्मली रहता है, तो वहां पे जितने मुसलमान लोग भी पढ़ते थे तो सारे मुसलमान लोग ने ये हम नहीं करेंगे, ये मंत्र हम नहीं जाप करेंगे बोल के पूरा पूरा बैन करवा दिया स्कूल को। और सबके सब लोग वो बस जैसे तैसे करके वो प्रेयर ही उठा दिया। आजकल काफी ऐसा स्कूल है, हम पहले हम जब छोटे छोटे थे आप लोग भी पढ़े होंगे प्रभु जी, छोटे छोटे टाइम में हम प्रेयर्स किया करते थे स्कूल में, होता ही नहीं। आजकल वो सब हट गया है, आजकल हो गया है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन किस चीज के करोगे, रात भर जो मोबाइल में देखोगे उसी चीज को ही ध्यान आएगा। मेडिटेशन किस चीज का होगा, दिमाग में ध्यान कौन सा आएगा? जिस चीज को हम बहुत ज्यादा सोचते हैं देखना, रात में जब सोएंगे ना उसी चीज को सपने के टाइप में वही चीज बार 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 मन में आएगा। रात भर सेलफोन लेके लैपटॉप लेके दोस्तों के साथ पार्टी में एंजॉय करके यही सब चिंता करते हैं और सुबह जाके स्कूल में प्रेयर करेंगे वही सब चिंता में आएगा। कैसे देखो ये जो हमारे जो वेस्टर्न कल्चर को किस प्रकार लाया गया है, किस प्रकार लाया गया है। कलकत्ता में सबसे पहले नाम शायद याद नहीं आ रहा है मेरा, तो उसने आके पूरा हमारे सारे ग्रीक कल्चर के कोई था, सारे हमारे जितने भी वेदर्स है गीता भागवत रामायण सब चीज को पढ़ा। और सब चीज को पढ़ने के बाद एक कंक्लूजन निकला कि हमारे भारत में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है भारत का कल्चर, भारत का स्पिरिचुअलिज्म, भारत में किस प्रकार लोग आध्यात्म के प्रति आस्था किस प्रकार है, पिता माता किस प्रकार बच्चे को लालन पालन करते हैं, बच्चे का पिता माता के ऊपर क्या कर्तव्य है, पिता माता के बच्चे के ऊपर क्या कर्तव्य है, ये सब विदेशों में नहीं है। हम लोग मनाते हैं ना वो मदर्स डे फादर्स डे क्या क्या होता है यूरोप में, क्योंकि पता है मदर्स डे फादर्स डे क्या होता है यूरोप में। एक जगह पे एक यूरोप में कल्चर है तो वहां पे बता रहे हैं कि जैसे बच्चे पैदा कर देते हैं और उनको अनाथ आश्रम छोड़ देते हैं यूरोप में, तो उन लोग जो अनाथ आश्रम में चले जाते हैं उनको साल में केवल एक बार अपने मम्मी और पापा से मिलने का एक डे रखा जाता है, उसको बोलते हैं मदर्स डे। और हम लोग सेल्फी उठा उठा के सच में मदर्स डे फादर्स डे, 2 दिन पहले ब्रदर्स डे था पता है।